2 मार्च को थाना राजघाट में अमृतसर के सराफा व्यवसायी से हुई लूट की घटना का एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट में दूसरा सराफा व्यवसायी शामिल था। पुलिस लाइन के मेज सभागार में घटना का खुलासा करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि 2 मार्च की रात को 8 बजे अज्ञात बदमाशों द्वारा अमृतसर के सराफा व्यवसायी सुरेंद्र सिंह से असलहे के बल पर सोना लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। घटना के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष राजघाट तथा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनपद गोरखपुर व संत कबीर नगर में बदमाशों के आने जाने के सभी संभावित सीसीटीवी फुटेज को देखा गया व बदमाशों के वीडियो फुटेज व फोटोग्राफ की पहचान गोपनीय सूत्रों से कराई गई तथा सभी संबंधित साक्ष्य संकलन व जानकारी के आधार पर सराफा व्यवसायी अभियुक्त सरदार संतोष सिंह उर्फ हीरा को लूटे गए सोना व आभूषण एवं नकदी तथा घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल एवं अवैध पिस्टल के साथ चैन सिंह मंदिर के पास हवड़बंधा थाना राजघाट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सरदार संतोष सिंह उर्फ हीरा पुत्र स्वर्गीय तारसेन सिंह निवासी न्यू अंतर्यामी कॉलोनी अमृतसर के अलावा प्रदीप कुमार भारद्वाज पुत्र नरेश कुमार निवासी जेल रोड पुरलिया राम कॉलोनी गुरदासपुर व राजू उर्फ राजकुमार पुत्र फूलचंद शर्मा निवासी खाजो थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एवं रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 0.5 किलो गला हुआ सोना एवं जेवरात अनुमानित कीमत करीब 26 लाख, लूटे गए जेवरात बेचकर खरीदी गई चारपहिया वाहन कीमत करीब 10 लाख, 1,20,000 नकद, घटना में प्रयुक्त स्कूटी मैस्ट्रो बिना नंबर, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल व 3 कारतूस, अवैध पिस्टल व 3 कारतूस बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तथा गिरफ्तार करने वाली टीम को शासन की तरफ से 1 लाख, इसके साथ डीआईजी एसएसपी की तरफ से 25,000 इनाम भी दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, जिन लोगों ने काम किया वो आया सर। हाँ ये जो व्यक्ति है वो कल्चर जरान में से हर्ष ज्वेलर्स, इसके बेटे का नाम है हर्ष ज्वेलर्स। ये संतोष सिंह जाति का सुनार है, उम्र इसकी 46 ईयर है और इसके पास ऑल इंडिया लाइसेंस है। पिस्टल इसने 2011 में कलकत्ता से खरीदी थी और आपने सोशल मीडिया पे इसके कई फोटोज वायरल किए देखे थे कि असलों के साथ डालिए क्या सर। ये दोनों से पंजाब से अमृतसर से विशेष रूप से और उस एरिया से, क्योंकि कीलत और बाली इस एरिया में नहीं बनती है, शायद पूरा सराफा मार्केट उधर से आके खरीदता जा सकती है। 40 से 50 मुकदमे का यह बीच पिछले 10 से 15 साल से आ रहा था। ये राजघाट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी लूट की, 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख हुई थी। इसमें इस घटना का पर्दाफाश किया गया है और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक सराफा व्यवसायी है जिसका नाम सरदार संतोष सिंह उर्फ हीरा है, दूसरा प्रदीप कुमार भारद्वाज और तीसरा राजू। 2 जो लोग हैं, सरदार संतोष सिंह और प्रदीप कुमार, ये लोग पंजाब के रहने वाले हैं, एक गुरदासपुर का है, एक अमृतसर का है और एक राजू जो है वो यहाँ का रहने वाला है, संत कबीर नगर का। इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 0.5 किलो शुद्ध सोना जो गले हुई स्थिति में है वो मिला है, जो जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए हैं। और लूटे गए जेवरात से इन लोगों ने एक गाड़ी खरीदी, शेवरले क्रूज PB10EK6472, इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी कीमत 14 लाख रुपए हैं। इस गाड़ी को भी बरामद किया गया है जो लूटी हुई जेवरात से खरीदी गई है। नकदी इनके पास से 1,20,000 रुपये बरामद की गई है। जो घटना में स्कूटी प्रयोग की गई इनके द्वारा, वह स्कूटी बरामद की गई है। और घटना में इन लोगों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर यूज़ की थी, सरदार संतोष सिंह के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है,
उस रिवॉल्वर को बरामद किया गया है और 3 कारतूस बरामद किया गया है। एक घटना में अवैध पिस्टल भी यूज़ हुई है, उसको भी बरामद किया गया है। इन लोगों इस प्रकार कुल लूटी हुई 36 लाख की जो है कीमत की सोना चांदी के जेवरात और गाड़ी बरामद की गई है। इसमें हम लोग इन लोगों पे गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई करेंगे और अन्य जहां सोना गलाया गया, कहां सोना गलाया इन लोगों ने और किस तरीके से इनके साथ इनकी रक्षा किसने की और कहां ये लोग जाकर के रुके हैं, उन लोगों को भी मुलजिम बनाने की तैयारी चल रही है। इस घटना जो कि सनसनीखेज घटना थी और लगभग 40 से 45 लाख रुपए की घटना थी जो शुरुआत में सामने आई थी, उसमें से 36 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। लगभग 90% बरामदगी हम लोगों ने की है। अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश हमारी जो गोरखपुर पुलिस की टीम है उसको 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। 1 लाख रुपए वो लोग सर ने कहा है कि आप प्रपोजल भेज दीजिए, 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है पुलिस टीम जिसने यह अरेस्टिंग की है और जिन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है। हम लोग इनको उत्कृष्ट प्रविष्टि के लिए भी सभी लोगों ने जिस कांस्टेबल ने जिस अधिकारी ने इसमें काम किया है उसको उत्कृष्ट प्रविष्टि की भी शासन के द्वारा घोषणा की गई है। यह हमारे लिए पुलिस बल के लिए पुलिस विभाग के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है और इस तरीके की घटनाओं में हम लोगों ने पहले भी केस वर्कआउट किए हैं जो 100% बरामदगी के साथ किए हैं और यह वाला केस भी हमने 100% बरामदगी के साथ लगभग 90% से ऊपर बरामदगी के साथ किया है। यहाँ तक कि हमने पंजाब तक के क्रिमिनल को पकड़ा है। ये गंभीर इसलिए हम लोग इनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA जैसी गंभीर कार्रवाई जो करेंगे हम लोग ताकि ये लोग दोबारा किसी के साथ घटना करने की हिम्मत न कर सके। ये यहीं सराफा भवन है, यहाँ पर सराफा मंडल का उसी सराफा भवन में क्रिमिनल रुका हुआ था और एक ही बार नहीं कई बार यहाँ रुका। यह 1994 से लेकर के यहाँ आता रहा है पहले भी, चूँकि सराफा कारोबारी है इसलिए इस पर किसी का शक नहीं था। घटना के दिन भी यह सराफा भवन में ही रुका था और वहीं से जाकर के घटना कारित की थी। और जो इनको शरण देने वाले हैं और घटना के बाद यह सराफा भवन में गया या नहीं गया इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। कौन कौन सराफा इससे ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कोई सामान इन्होंने यहाँ बेचने की कोशिश, चूँकि अभी यहाँ बेचने की कोशिश भी कर सकते थे या करने वाले थे, उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं कि कौन कौन लोग यहाँ के भी शरणदाता उसके हो सकते हैं, जिन जिन के घरों में जाता रहा है या शरणदाता के रूप में कौन कौन इनके हैं, वो उसको हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।